News 18, India. हमारे 40, 40, 50 के आसपास लोग इसमें मौजूद थे, सारे जत्थेबंदी इसमें थी और चंडीगढ़ में ये मीटिंग की और डिमांड हमारी ये है, हमने जो आगे के प्रोग्राम दिए हैं, एक तो ये दिए कि कल काला दिवस मनाएं, जो पंजाब के और हरियाणा के किसानों के साथ में हुआ हरियाणा बॉर्डर पे, और ख़ास करके वहाँ की पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने पंजाब की ज़मीन पान के बच्चों को गोली मारी, उनको घायल किया, उनको पकड़ कर ले गए, उनके कई लोग घायल करे, उनके पैर तक तोड़े, ये एक अत्याचार है, डराने का, एक दहशतगर्दी का माहौल करा, इससे ड्रोन से गोले छोड़ रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, क्या ये फील्ड ट्रायल हो रहा है, क्या इसको मतलब किसानों के ऊपर सर्कुलर स्ट्राइक्स इसको बोल लेंगे, तो ये गलत है, इसका पूरे देश में रोष है। हमने कल भी ट्रैक्टर मार्च किए, उससे पहले भी प्रोग्राम करे, पूरे देश भर में इसका विरोध हम कर रहे हैं। 26 तारीख को हम ट्रैक्टर हाईवे के ऊपर निकाल लेंगे, दिल्ली जाने वाले रास्ते पे, स्टेट हाईवे, सेंटर हाईवे, उन पे निकलेंगे, हमारे एक दिन का प्रोग्राम है, फिर अपना वापसी आ जाएंगे, फिर पूरे देश भर में हमारी मीटिंगें चलती रहेगी और 14 मार्च को दिल्ली में प्रोग्राम है एक दिन का, रामलीला मैदान में उसको प्रोग्राम को करेंगे। लोग बिना ट्रैक्टरों के जाएंगे, जो सरकार कह रही ना कि हम रोक नहीं रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो रोकेगी या वो करेगी, सब लोग जाएंगे वहाँ पर।